डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग नाउ इज मकैनिकल एंड मशीन सेफ गारम इन माइंड इज लिट्टिंगजट लिफ्टिंगस का ये मतलब है कि जब आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली किसी चीज़ को उठाते हैं तो उस वक्त किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है लिफ्टिंग हैज़ट्स के अंदर नॉर्मली इस वक्त जिन चीज़ों की वजह से इंप्लाइज को इंजरीज का सामना करना पड़ता है उसमें नंबर वन इम प्रॉपर लिफ्टिंग बात अब चीज़ को प्रॉपर वे में उठाते नहीं है जिस वजह से इंजरीज हो जाती हैं नंबर टू लिफ्टिंग हैज सच एज पॉस्चर आप लोगों की जो फिजिकल मूवमेंट है वो सही नहीं होती और जब फिजिकल मूवमेंट सही नहीं होगी ऑटोमेटिकली ये फिजिकल इंजरी का बायस बनती है नंबर थर्ड कॉन्सिक्वेंटली कंपनीज ओवरऑल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम शुड है बैक सेफ्टी लिफ्टिंग कंपोनेंट्स जब कंपनी की हेल्थ सेफ्टी बनाई जाती है या ब्रॉडर पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है उसमें इन चीज़ों का ख्याल मद्नजर रखा जाता है अगर इनको उस वक्त मेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो एम्प्लॉज जब फिजिकली काम करेगा उस वक्त आप उसको एस ओ पी के मुताबिक काम उससे नहीं ले सकते लिफ्टिंग हैज़र्ड में अगर देखा जाए तो प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स होती हैं अगर इनको फॉलो किया जाए तो लिफ्टिंग हैजर्ड से बचा जा सकता है इसमें तीन चीज़ें हैं नंबर वन प्लान अहेड नंबर टू लिफ्ट विद योर लेग्स नॉट योर बैक थर्ड पुश डोंट पुल अब इन तीनों चीज़ों का जो मतलब है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने जब फिजिकली चीज़ों को उठाने के लिए एस ओ पीज़ डिवेलप किए तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ ठीक तरह से काम करेंगे अगर उन एस ओ पीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं होगी ये इम प्रॉपर लिफ्टिंग होगी और जब इम्प्रॉपर लिफ्टिंग होगी तो वहाँ पे आप फिजिकल इंजरीज का बायस बन सकते हैं स्टैंडिंग डी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें दिस पर्सन इज स्टैंडिंग दिस वन और ये यह यहाँ पे बेसिकली एलक्ट्रीशन के हवाले से इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से ये शख्स वेल्डिंग कर रहा है अगर इस चीज़ को देखा जाए बहुत माइन्यूटली के साथ तो बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि वर्कर्स स्टैंड और वॉक फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स एक लंबे अरसे तक जो इम्प्लाई है वो चले या ठहरे जब प्रोलॉन्ग वॉकिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा स्टैंडिंग कैन काज लोअर बैक पेन आप अगर बहुत लंबे अरसे तक खड़े रहते हैं तो लो बैक पेन आपकी हो सकती है या इसके अलावा और भी मुख्तल किस्म की वैरायटी ऑफ अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अब क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है कि स्टैंडिंग हैज़ट्स तो हैं लेकिन स्टैंडिंग हैज़ट्स को हमने कंट्रोल कैसे करना है स्टैंडिंग हैजर्ड्स को कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है कि जब लंबे अरसे तक आपने खड़े रहना है तो आप अपनी पोस्चर जेस्टर इसको लिटिल बिट मूवमेंट में रखें बॉडी को मूवमेंट में रखें और एक जगह पर काफी लंबे अरसे तक ना ठहरें इस वजह से आप लोग इस किस्म की प्रॉब्लम से बच सकते हैं स्टैंडिंग हैजर्ड्स का जो रिमेनिंग हिस्सा है उसमें हम देखते हैं द फॉलोइंग हैजर्ड्स मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन बी मिनिमाइज दीज प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ किस्मों की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है इन स्ट्रैटीज की मदद मतलब से नंबर वन एंटी फिटिक मैट्स शू इंसर्ट्स फुट रेल्स वर्क प्लेस डिजाइन स्टैंड चेयर प्रॉपर फुटवेयर अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो काफी हद हाँ तक आप कंफर्टेबल वे में ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं वैसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ इस स्लाइड में से अगर आपने कम्फर्टेबल शूज पहने हुए हैं तो आप लोगों को नीचे से भी स्पोर्ट होगी और ऊपर बॉडी का वजन भी उसके ऊपर जब डलेगा ऑटोमेटिकली आपके शूज़ कंफर्टेबल जोन में रहेंगे और जब शूज आपके और आपके फुट कंफर्टेबल जोन में रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस नहीं होगी जी ये स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग नाउ इज हैंड प्रोटेक्शन फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी देर आर फ्यू सॉर्ट्स ऑफ हैंड इंजरीज विच आर इन विच एग्जिस्ट इन आर्गनाइजेशन दिज आर हैंड्स इफ यू सी हु इज वर्किंग हैज द ग्लव्स वाई ही हैज वी एयर द ग्लव्स रीज़न इज दैट ही वांट टू रिमेन पुट हिमसेल्फ इन कम्फर्ट जोन जब वो शख्स लेदर के होंगे या कॉटन के होंगे या क्लॉथ के होंगे किसी भी चीज़ के ग्लव्स या पहन के काम करेगा ऑटोमेटिकली उसकी हैंड सेफ्टी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हैंड इंजरी से बचा जा सकता है इसी तरह क्वेश्चन ये है कि सेक्शन वन ऑफ आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्स 29 नाइन 1910.132 ये बेसिकली डील ही हैंड सेफ्टी को करता है तो इस चीज़ में हमने ये देखना है कि अगर आप हैंड्स को प्रॉपर वे में सेफ रखना चाहते हैं यू नीड्स टू बी अ ग्लव्स ऑफ द दर्गनाइजेशन